देखिए, ये है एक लाइफ लॉन्ग का इंडक्शन और ये ख़राब हो गया है, डेड है। तो इसको पहले हम लोग खोलेंगे, उसके बाद फिर चेक करके आपको दिखाएंगे कि ये क्या क्या हुआ है। देखिए, इसको सीरीज में पहले लगा लेते हैं, ये सीरीज लैंप है। और इसके प्लग में अगर हम लोग इसको सटा के देखेंगे तो क्या होगा कि ये जो है, ये देखिए लाइट ग्लो नहीं कर रहा ना ऑन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। देखिए है ना, ये ग्लो नहीं कर रहा ना ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि फ्यूज इसका उड़ा हो। तो पहले हम लोग उसको खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर में फ्यूज उड़ा है कि नहीं। तो इसको पहले खोल लेते हैं, उसका आगे आपको दिखाते हैं। तो इसको खोलने के बाद मतलब इजी तरीका जानते ही हैं आप पहले अगर खोलेंगे तो। ये देखिए खुल गया है और इसके अंदर में ये देखिए कुछ ऐसा जला हुआ महक नहीं रहा। लेकिन इसको पहले हम लोग को क्या होगा कि चेक करने के लिए खोलना होगा ये कॉइल। तो ये कॉइल को हम लोग जल्दी जल्दी खोल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि कहाँ से चेक करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इसको हम लोग खोल लिए हैं और खोलने के बाद इसमें चेक करेंगे मल्टीमीटर से, या फिर आप बस सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। नहीं, मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे थे ऐसे ही। तो देखिए, बीप भी आवाज़ नहीं किया, मतलब फ्यूज उड़ा हुआ है। तो फ्यूज के आगे से अगर आप कनेक्शन देंगे तो वो अगर उड़ा हुआ शो कर सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग सीरीज लैंप से चेक करते हैं, उसको साइड कर लीजिए ना, फिर उसको सट सकता है हाथ, इसीलिए प्लग को साइड कर दिया। ये देखिए, सीरीज लैंप में क्या करना है कि ये जो फेज के साइड में है, रेड वाला वायर का साइड में, उसमें सटा रहे हैं नीचे में डायरेक्ट, और फ्यूज का ऊपर कनेक्ट करके देख रहे हैं। देखिए, एक लैंप ग्लो कर रहा है, मतलब है कि शॉर्ट हो गया, इसलिए फ्यूज भी उड़ गया है, ठीक है। तो किट शॉर्ट है, और शॉर्ट कब होता है, जब IGBT उड़ा हुआ रहता है इसका, तब शॉर्ट होता है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं पहले। पहले पूरा खोल लेते हैं इसका जो ये है वायर, मेन वायर जो है उसको खोल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए, पिन से थोड़ा सा ढकेलना पड़ेगा, ठीक है। इसका सब कुछ निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये को, ठीक है, किट को बाहर निकाल लेते हैं। किट को खोलना आसान है, आप अगर पहले खोलेंगे तो पता होगा। ये कॉइल को भी निकाल लिए हैं खोल के, और सब कुछ निकालना ज़रूरी नहीं है ऐसे, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पूरा खोल ही लेना ठीक रहता है, काम करने में आसानी पड़ता है। तो ये देखिए, ये क्या कि ये फ्यूज उड़ गया है, तो दिख रहा है पीछे साइड से देखेंगे कुछ कंपोनेंट उड़ा हुआ है कि नहीं। SMD वाले में कुछ कुछ उड़ा रहा था पीछे से, लेकिन इसमें कुछ SMD कंपोनेंट है नहीं। तो देखिए, IGBT यहाँ पे है, इसमें भी कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा। ये देखिए IGBT है, इसको चेक करते हैं। तो इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये अगर शॉर्ट बताएगा तो ख़राब यही होगा। तो ये देखिए, इसमें देखिए इस हटाने पर ये एक साइड से, इस साइड से तो नहीं बता रहा कुछ, और अगर इस साइड से करते, देखिए नंबर दिखा रहा, मतलब ये शॉर्ट है, बीप कर रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग किए तो आज चल गया उसका। अब देखिए, इसको खोल दिए कॉइल को, तो ये ऑन हो रहा है, ये जो है ना बोर्ड ऑन हो रहा है, हल्का ग्लो कर रहा है लैंप, मतलब ये बोर्ड ऑन हो रहा है। ये 40 वाट का इसलिए ग्लो कर रहा है, 100 वाट करता तो कम करता, ठीक है। तो समझ गया कि कॉइल लगाने के बाद वो शॉर्ट होता है ऐसे, IGBT जब ख़राब होता है। दिखाते हैं आपको किस तरह से, देखिए कॉइल लगा रहे हैं, अगर IGBT ख़राब है और कॉइल लगा हुआ है तो देखिए ये पूरा फुल ग्लो करेगा अगर हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग सटाते हैं तो ये डायरेक्ट में फुल ग्लो कर रहा, देखिए ना, मतलब ये ख़राब है, IGBT ख़राब है इसका। और इसको खोलते हैं इस तरह से, ब्रश से हम लोग इसको खोल सकते हैं, कहीं अच्छा जगह में इसको रख लीजिए जहाँ से फिसले ना, या कोई चीज़ पकड़ने वाला है आपके पास में किट को, तो उससे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ब्रश से मैं इसको हटा लिया शोल्डर को, या आपके पास रिसोल्डिंग वायर है उससे भी कर सकते हैं। अब इसको खोल लेते हैं, ठीक है, स्क्रू इतना खोल लेंगे तो निकल जाएगा बाहर, ठीक। तो इसी प्रकार से देखिए, ये वीडियो में दिख रहा है, उस तरह से आपको खोल लेना है, जल्दी जल्दी फास्ट कर दिया मैंने। देखिए, अब इसको क्या करना है कि बाहर थोड़ा सा देखिए फंस गया था, तो उसको पूरा निकाल ही लेते हैं गर्म करके। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से निकल जाएगा ऐसे, तो अच्छा से क्लीन करेंगे तो पहले ही निकल जाएगा, मेरा नहीं निकला था। देखिए शॉर्ट बता रहा, देखिए ये वाला शॉर्ट बता रहा, मतलब ये IGBT उड़ा हुआ है और कुछ नहीं, ख़राब है। तो ये देखिए, मैंने एक नया IGBT लिया हुआ है, KGF का IGBT है, सेम नंबर है। तो आप सेम नंबर भी ले सकते हैं, या फिर जो आपको लगा हुआ सेम वो ले सकते हैं, या मार्केट में मिलेगा वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें एक चीज़ और बताते हैं, अच्छा क्वालिटी का IGBT नहीं लगाएगा, बार बार उड़ेगा वो। तो इसको मैं आराम से इसको लगा ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा दबा देंगे तो बराबर हो जाएगा। अब उसको हम लोग वहाँ से कनेक्ट करेंगे, मतलब सोल्डिंग कर देंगे। देखिए सोल्डिंग कर देते हैं पूरा, और ये देखिए सोल्डिंग हो गया है। ऐसे बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनता है, इसलिए मैंने फास्ट करके वॉइस ओवर कर दिया। अब देखिए इसको ऑन करेंगे, ये देखिए ये ऑन हो रहा है, बीप आवाज़ कर रहा है, मतलब ये ऑन हो रहा है, ठीक है। देखिए, ये जो है इसको मैंने लगा दिया था IGBT, और इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम लोग अगर सीरीज में भी करते हैं, ये मेरा ग्लो कर रहा है, और ये पंखा चल रहा है, मतलब चालू हो जा रहा है, लेकिन देखिए ये जो है ये ग्लो कर रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं है, ये डाइट भी अब चलेगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये बन गया। उसमें क्या हो रहा था कि ये जो IGBTS का वही ख़राब हुआ था, उस कारण से ही ये शॉर्ट बता रहा था, जब ये कॉइल लगा रहा था तब शॉर्ट बता रहा था। ठीक है, तो अब ये बन गया है। अब इसको हम लोग इसको लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं।